साढ़े खिड़े अरमान अज हो गए वे मिते हुए गुलाब दी तरह हुण रबी जा सब भी मेल होने गए वे वंडे गए पंजाब दी तरह नहीं सरकारों तो वेले पास नहीं थी करने चाहिए जे कि जो विरोध होया रद्द कर देने चाहिए सी उन्होंने तो अपना पकाने की पूरी हिंड लाई हुई है। शुक्रिया सोशल मीडिया इंटर नैशनल मीडिया तो दिखा नहीं रहा तुम पल पल की खबर उत्थे दे रहे हो बीपियां साड़ियां भैणां भी बहुत ले रही अपने काम संभाल लेने बाकी असीं रल के कोशिश करांगे जे अगले दिन अगले पलों च कोई पिछे प्रॉब्लम खेतीबाड़ी की आँदी जिते तक हैगे तो असीं कुछ लोग उधर भी हो लवांगे दोबारा दर्शाता कि असीं उन छेड़ी पंजाबी नहीं असीं उही पंजाबी हाँ जिन्हां दी दुनिया आधारना दिंदी आ रही है। देखिए पाते हैं उशाख बुतों से क्या फैज़ एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सत श्री अकाल दोस्तों मेरे नाल इस वक्त हरजीत हरमन जी मौजूद ने बड़ी मिठास जिन्हों की जुबान दे उत्ते है बड़े खूबसूरत गायक ने पंजाब दे और बड़ा दिल दे विच दर्द लैके इस वक्त पहुँचे हुए हैं। इस वक्त दोस्तों किसान लखां की तादाद दे विच कुंडली मार के बैठे हुए हैं कुंडली बार्डर के उत्ते और यह कुंडली मैं लगता उदों तक नहीं उठनी कहें कि जदों तक बिल रद्द नहीं हो जाते। सो हरजीत हरमन वीरे तो सब तो पहला तो यही पूछते हैं भी पिंड का की हाल है उन्होंने क्योंकि पिंड तो नौजवान और किसान आगू इतने आए हुए पिंड का की हाल आ मावां का की हाल आ। शुक्रिया सोशल मीडिया इंटर नैशनल मीडिया तो दिखा नहीं रहा तुम पल पल की खबर उत्थे दे रहे हो जो भी इतों के मोर्चे के हालात ने तो चढ़ती कला वाली कौम है मार्शल कौम है जी पिंड चढ़ती कला च ने सारे अपने मैं कई नूं मिलिया वो कहिंदा मैं कल्ला ही हैगा घर च मेरे बच्चे नाल गल कर मैं कहा बाकी कहिंदा कोई नहीं साढ़े आ बीपियां साढ़िया भैणां भी बहुत ले रही अपने काम संभाल लैणे बाकी असीं रल के कोशिश करांगे जे अगले दिन अगले पलों च कोई पिछे प्रॉब्लम खेतीबाड़ी दी आउंदी जिथे तक हैगे आ तां असीं कुछ लोग उधर भी हो लवांगे। ते अज तुसीं कुर्ता पजामा पाया होया काला मफलर भी काला पग भी काली पर स्वैटर जिहड़ा हैगा वह फिक्के रंग का हैगा ये पिछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन हैगा कोई यह है भी आशवंद हैगा वैसे किसी ने पूछ लिया भी यह रोस वजो नहीं मेरे पग बन्नी हुई सी मेरे को टाइम नहीं सी मैं उकने धर ली मैं वैसे पगों का कोई रंग नहीं खालसा खालसा ही होंदा तो ये कोई मकसद नाल नहीं वैसे ही पाया है मैं बिल्कुल जी। तो कई बार जी बेसबब चीज़ा असं की होंदिया उन्होंने सबब अपने आप ही बन जाता हों ठीक है। तो हरमन वीरे मैनू इस चीज़ तुसी जरूर दसो भी एक तरीके नाल हड़ आया होया सिर्फ इतने शरीर नहीं बैठे रूहां बैठिया ने जज्बात बैठे ने है ना कि किदा लगता है कई बार असीं वेखते हैं कि जिदा हुण साडे जवान तो शहीद होंदे ही सी पर इस संघर्ष दे विच साडे किसान वीर साडे बजुर्ग भी शहीद हो गए अखां दे विच रोणी आउंदी तुहानू वेखदे आ कि इन्नी छोटी गल पिछे जी बहुत साडियां मावां भैणां जदों सानूं बॉर्डर ते मिलदियां ने हुंदा ते दूजी खुशी हुंदी आ कि असीं अज किसानी दे एजेंडे तहत असी सारे पंजाबी इकट्ठे हाँ वो पंजाबी जिन्हां बारे हुण गल्लां होण लग पईआं असी नशेड़ी ने जे अज इन्हां ने यह दुबारा दर्शाता कि असी वो नशेड़ी पंजाबी नहीं असी उही पंजाबी हाँ जिन्हां दीआं दुनिया आधारना दिंदी आ रही है। बिल्कुल जी मैंने गीत याद आ रहा है कि रब्बी जां सबबी मेल होणगे ओह एक दो बोल उहदा सुना दिओ जरूर मैनूं बड़ा चेते आ रहा इस वक्त वो प्रगट सिंह उन्होंने बड़ा कमाल का गाना लिखिया लिखिया तो वो बॉर्डर ते सी पर जिहड़ा उहदा थीम है वह मुंडे कुड़ी दा है गल जज्बातों की पंजाब वंडे हुए की करदा मैनूं इह जज्बातां करके याद आ रहा है क्योंकि इस रब्बी सबबी मेल थोड़े नाल अज इस मुद्दे के उत्ते हो गए वैसे असीं तुहानूं किसी होर मुद्दे के उत्ते मिलना सी साढ़े खिड़े अरमान अज हो गए वे मिदे हुए गुलाब दी तरह हुण रब्बी जां सबबी मेल होण गए वे वंडे गए पंजाब दी तरह आस जरूर करते हैं कि रब्बी और सबबी मेल छेती होण और जदों कहिंदे आ कि इन्ने जज्बात कट्ठे हो जाते हैं रूहां की आवाज़ कट्ठी हो जाती है दिल तो कहिंदे कि दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है पर नहीं परवास मगर रखती है। तो तुसी गालिब नूं भी मैं थोड़े वीडियोज़ दे विच भी वेखदा रहा किताब थोड़े हाथ च हुंदी सीगी ते संघर्ष साडे पंजाबियां ने भी बहुत कीता और शायरां दा तां वैसे ही जिहड़ा दिल हुंदा बड़ा नरम हुंदा ते अज दे हालात जो बने ने जी छोटा जिहा मसला हैगा और सिर्फ मंगा नहीं ये हक ने जायज़ मंगा ने तुहानूं लगदा कि इन्ना समां जिहड़ा लटकाया जा रहा है सरकारां वल्लों कि ये वाजिब हैगा उन्हां दा कि इन्ना होना चाहिए सीगा इन्ना टाइम लगता इस चीज़ नहीं सरकारों ने तो वेले पास नहीं थी करने चाहिए जे कि जो विरोध होया रद्द कर देने चाहिए सी किसान उन्होंने तो अपना पकाने की पूरी हिंड लाई हुई है तो लोग भी पूरे जिहड़े आ रहे ने इस संघर्ष नाल जुड़े ने वो भी उन्होंने भी पता भी 3 तरीक नूं मसला हल नहीं होना क्योंकि जो असी 3 तरीक नूं मैं 12-1 बजे
आ रहा सी रास्ते च, फिर तो फैसला करते फिर रुक जाते भी 3 बजे तो बाद 8 बजे फैसला आऊ, 7 बजे फिर आप देख लेंगे, उन्होंने पता भी फैसला नहीं होना, अपने भरावान जाके जुड़ो। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है, जिदा मैं दस्या सीगा कि कुंडली मार के इस वक्त बैठे हुए ने किसान, और एक कुंडली मैं कहा सी कि उदों तक नहीं उठूगी जदों तक बिल रद्द नहीं होंगे, थोड़ा की मनना है, तुम भी नाल खड़े हो फिर? भाई जी खड़े हैं, पहले दिनों वादा किया जो भी संघर्ष चले तो हूँ भी बारी बारी जो आने इन्हों खड़े हैं, तो ये वादा कि एंड तक खड़ा गे। बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा कीमती समा तुम सूँ दिता, और मेरे होर भी मीडिया के भरा ने जिन्होंने होर भी थोड़े सवाल जवाब करने ने और कीमती समा सूँ देने धन्यवाद। दोस्तों असी थोड़ा इसे तरीके शख्सियतों के थोड़ी मुलाकात करवाते रहेंगे, फिलहाल तुम वेखते रहो निरपक्ष पोस्ट खबर की निरपक्ष आवाज़। धन्यवाद। पंजाब ते पंजाबीयत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ, तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट खबर दी निरपक्ष आवाज़। विजिट करो www.nirpakhpost.com।